पिछले साल साउथ इंडियन फिल्मों ने बॉलीवुड को नाको चने चबवा दिए थे। एक के बाद एक अपनी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर रिलीज किया था और हिंदी फिल्मों को बायकॉट के साथ में भेज दिया था। अगला साल थोड़ा बॉलीवुड के लिए राहत भरा लग रहा था, बिकॉज कई बड़ी फिल्में खान्स की अनाउंस हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह से साउथ इंडियन फिल्मों के हिंदी ट्रेलर रिलीज हो रहे हैं, उसको देखकर लगता है इस बार भी बॉलीवुड की हवा टाइट करने के लिए साउथ एक्टिव है, रेडी है। इस बार हम देखें तो वारिसु यानी विजय की मूवी हिंदी में आ रही है, चिरंजीवी की वीरैया वाल्टेयर भी आ रही है, इसके अलावा नंदमुरी बालकृष्णा की मूवी अखंडा भी आ रही है, यानी बैक टू बैक फिल्में लगी हुई हैं। प्लस अदीव असेस की मूवी गोडाचारी को रिलीज करने की प्लानिंग हो रही है, तो बैक टू बैक कई फिल्में हैं। लेकिन पठान की जान को सबसे ज्यादा खतरा है साउथ से, बिकॉज उसकी मूवी सबसे पहले आने वाली जनवरी में, उस पर ग्रहण लगाने के लिए साउथ से एक बहुत ही बड़ा बवंडर आ रहा है, यानी तूफान। तूफान इसलिए बिकॉज जो मूवी है वो हिंदुत्व ब्रिगेड पर सवार है और इस मूवी को साउथ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मूवी का नाम है अखंडा, जो कि नंदमुरी बालकृष्णा की ब्लॉकबस्टर मूवी है और अब इसको हिंदी में रिलीज किया जा रहा है। इसका जब हिंदी ट्रेलर रिलीज हुआ था तब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट हुआ था और इस मूवी की रिलीज डेट जो चुनी गई है वो शाहरुख खान की मूवी के आसपास ही है, यानी शाहरुख खान की मूवी पठान से 5 दिन पहले आएगी अखंडा। और अगर अखंडा बॉक्स ऑफिस का गेम पूरी तरह चेंज कर दे तो शाहरुख खान के लिए खतरे की घंटी है, बिकॉज अखंडा 5 दिन के वीकेंड में अगर चल जाती है तो अगले 2-3 वीकेंड भी खींचेगी। बिकॉज जिस तरह से साउथ की मूवी कार्तिकीय ने रिकॉर्ड बनाए थे, इसके अलावा KGF है, RRR है, पुष्पा है, बाहुबली है, उसी तरह ये मूवी भी अपने पैर अंगद की तरह जमा सकती है बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर और पठान की जड़ें उखाड़ सकती है। 5 दिन अगर मूवी चल जाती है तो पठान के लिए बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर गेम चेंज करने वाली हो सकती है, एक तरह से किला खड़ा कर देगी शाहरुख खान की मूवी की ओपनिंग के लिए। प्लस यशराज ने पठान को ऑलरेडी तमिल तेलुगु में डब करके रिलीज करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब सोचने वाली बात है कि ऑलरेडी तेलुगु मूवी हिंदी में शाहरुख खान की पठान को टक्कर देने आ रही है, तो जाहिर सी बात है तेलुगु में तो पठान को नुकसान पहुंचाएगी। वैसे भी अगर मूवी की थीम की, मूवी के कोर की, मूवी के डिजाइन की बात करें तो मूवी थोड़ा पठान के साथ एग्रेसिवली कॉम्पीट करती नजर आ रही है। अभी आपने गौर किया होगा पठान को कई हिंदू संगठनों ने बैकआउट करने की धमकी दी थी, बिकॉज यहाँ पर भगवा रंग की बिकनी का विवाद चल रहा था। हालांकि हम यहाँ किसी तरह से धर्म विवाद के मामले में मूवी को भेदभाव करने की सलाह नहीं देते हैं, फिर भी जो न्यूज में आता है, सोशल मीडिया में आता है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर हिंदू संगठन के लोग मूवी को बायकॉट करते हैं तो रेडीमेड तौर पर ये बालकृष्ण की मूवी अखंडा को फायदा मिलेगा, बिकॉज अखंडा पूरी तरह से स्वामी, साधु, बनारस, इलाहाबाद और हमारे हिंदुत्व को प्राउडली प्रेजेंट करती है और पठान इसी मामले में बायकॉट हो रही है, तो सारा का सारा दारोमदार अखंडा की ओपनिंग को लेकर जाता है। अगर ओपनिंग अच्छी मिलती है अखंडा को तो अखंडा पठान के लिए खतरा बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज इंडियन बेल्ट में, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में, अखंडा में कार्तिकेय 2 वाला कांतारा वाला भक्ति भाव भरा हुआ है, जो कि मूवी को बहुत फायदा पहुंचाएगा। प्लस इसका जो एक्शन है, इसकी जो अपील है, इसकी जो एंट्री है, इसका जो पूरा हिंदुत्व वाला स्लोगन है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग भी है और पब्लिक ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है। अब ये पठान के वीकेंड को कितना खतरा पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज अखंडा के ट्रेलर को हिंदी बेल्ट में जो रिएक्शन मिला है, उसको देखकर लगता है कि ये पठान की मूवी को भी खंड खंड कर सकती है, बाकी आने वाला वक्त बताएगा। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।